दो बजे तक पूरा चित्र स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन पंजाब में मैं देख रहा था आप आगे चल रही है, उत्तराखंड में टक्कर चल रही है, गोवा में स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, ये सब आगे पीछे चलता रहेगा 2-3 बजे तक। छोटे छोटे राज्यों का तो रिजल्ट आ जाएंगे, लेकिन गोवा और पंजाब के लिए अभी कोई अनुमान लगाना मुझे ठीक नहीं लगता है। लेकिन मुझे विश्वास है कि ज़रूर अखिलेश यादव और उनका अलायंस बहुत तगड़ी टक्कर उत्तर प्रदेश में दे रहा है। 3 बजे के बाद हम उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। सर गोवा में अगर देखा जाए तो किसी पूरी तरह से अगर देखा जाए कि आगे काफी कांग्रेस चल रही है और कहीं ना कहीं तृणमूल के भी अच्छे हो रहा है, इसलिए तो मैंने कहा ना कि अभी ये समय नहीं, अभी तो काउंटिंग मतगणना शुरू हुई है। अभी पोस्टल बैलेट के ऊपर जो होता है उसका ऊपर थोड़ा सा हमको संयम से बात करनी चाहिए पोस्टल बैलेट के ऊपर। लेकिन अभी 20-20 राउंड होते हैं, खास करके उत्तर प्रदेश में। बिहार में क्या हो गया आपने देखा होगा। पंजाब की बात में यही कहूँगा कि अब तक पंजाब में भी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, पूरे नतीजे आने तक कल सुबह का समय आ जाएगा। हाँ, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा में 2 बजे तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन जो मैं देख रहा हूँ गोवा में किसी को बहुमत नहीं मिल रहा है मेरे हिसाब से। मणिपुर में बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन कांग्रेस भी उसके आगे